हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए ट्रू स्टोरी ऑफ कैप्टन कादर शहीद का रिएक्शन। एंड देखना होगा कि लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत ही बड़े इनका कुछ था और इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जो बहुत एक मतलब आप कह सकते हो हिस्ट्री में माना जाता है, और क्या है वो नहीं पता है पर लोगों ने हमें बताया हुआ। तो देखते हैं फिर ये वीडियो में क्या होगा। और मुझे तो ना सही बोलो, जब भी आर्मी से रिलेटेड कोई वीडियो आती है मेरे में ना ऐसे देशभक्ति की भावना ऐसे कूट कूट कर आ जाती है, क्योंकि शायद मैं एक हूँ ऐसे इंसान जो अपने देश से बहुत प्यार करती है। इवन अपने देश से भी नहीं लेकिन इवन दूसरों के देश से भी प्यार कर ही लेती है। तो मेरे को जो भी आर्मी होती है, किसी भी कंट्री की आर्मी होती है, तो मेरे को उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे फिर किसी भी कंट्री की हो। तो सेम मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के कोई कमांडर या कैप्टन है तो मेरे को कुछ ऐसा होएगा कि नहीं ये किसी काम के, नहीं मेरा ऐसा नहीं है। मुझे सबके लिए रिस्पेक्ट, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे किससे सुनने में कि इन लोगों ने अपने देश के लिए क्या कर रखा। और फिर मेरे को ना ऐसी खुशी भी होती है कि यार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो सही में अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे लॉयल हो और जो अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं। ये तो प्राउड फील करते हैं, इनकी फैमिली भी प्राउड फील करती है, इवन इनकी पुश्ते तक प्राउड फील करती है। वो भी ऐसे कहती है कि हमारे अंकल ने हमारे नाना ने ये कर रखा है देश के लिए, वो कर। तो सही में यार ऐसे बहुत ये चीज़ें ना बहुत प्राउड फील करवाती है। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसे होने वाली। वही तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान के एक मारखोर कैप्टन कदीर खान शहीद का वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा था। दोस्तों कैप्टन कदीर खान पाकिस्तान का एक ऐसा हीरो था जिसने वतन से मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर दिया और मुल्क से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। अच्छा? कदीर खान एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखता था और 300 एकड़ काबिले काश जमीन का मालिक था। दोस्तों पाकिस्तान के इस बहादुर नौजवान के पास अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत मौजूद थी और ये आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन इसके दिल में पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत थी कि इसने मालो दौलत जमीनों जायदाद आराम और सुकून की जिंदगी को लात मार दी और वतन से मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने बहुत समझाया कि जब हर चीज घर में बैठे बिठाई मिल रही है तो नौकरी की क्या जरूरत है, तुम पागल हो जो चंद हजार रुपए के लिए नौकर बन रहे हो। तो कैप्टन कदीर खान ने चीख कर कहा, फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता बल्कि वतन के दिफा के लिए फौज में आता है। कदीर खान पाक आर्मी में भर्ती होने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट से तरक्की करते हुए कैप्टन के रैंक तक पहुंच गए। कैप्टन कदीर खान की मुल्क से मोहब्बत और जज्बा देखते हुए इन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में शामिल कर लिया गया। इन दिनों बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च करके बहुत से दहशतगर्द और एक बड़ा राह का जासूस कुलभूषण यादव बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए भेजा, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। कैप्टन कदीर खान कुलभूषण यादव को राह के गैंग समेत पकड़ने का टास्क लेकर बलूचिस्तान पहुँचे। इस मिशन के दौरान कैप्टन कदीर खान ने कूड़ा उठाने वाले का रूप धारा और अपने काम पर लग गए। ये नौजवान जो नरम बिस्तरों पर सोने का आदि था, इसके आगे पीछे नौकरों चाकरों की भरमार थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान की मोहब्बत में सब कुछ ठुकरा कर एक मैले कुचैले फकीर की हालत में बलूचिस्तान के पहाड़ों और रेगजारों में दर बदर फिरता हुआ कूड़ा कचरा उठा रहा था। सख्त सर्दी की हालत में एक फटी पुरानी चादर ओढ़कर कभी गंदगी के ढेरों पर लेटा दिखाई देता तो कभी पागलों की तरह जोर जोर से हंसता और चिल्लाता था। कई कई दिन भूख प्यास में गुजर जाते और रातें खुले आसमान तले बीत जाती। पाकिस्तान से मोहब्बत का जुनून इसके हौसले पस्त नहीं होने देता था। पाकिस्तान ISI को कुलभूषण यादव की खबर पहले दिन से ही मिल चुकी थी, जिस दिन ये ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। लेकिन ISI राह के पूरे गैंग को पकड़ना चाहती थी। कैप्टन कदीर खान इस दहशतगर्द के पीछे साए की तरह लगा हुआ था और ये कोई एक दो दिन या महीनों की बात नहीं बल्कि कैप्टन कदीर खान पूरे 3 साल इसी हालत में फिरता रहा। आखिर 3 साल के बाद इन्हें राह के सारे गैंग का सुराग मिल गया। तब जाकर ISI के स्मारखोर ने पूरे सबूतों के साथ कुलभूषण और बहुत से दहशतगर्दों को दबोच लिया। इसके बाद भारत का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों कैप्टन कदीर खान अपना मिशन पूरा करके इसी हालत में घर की जानिब निकल पड़े और घर के बाहर पहुंचकर वहीं बैठ गए।
कैप्टन कदीर खान का भाई दरवाजे पर आया, इन्हें देखा तो समझा कि कोई फकीर है और माँ को आवाज़ दी कि अम्मा जान बाहर कोई फकीर आया है, मुझे लगता है कि ये बेचारा कई दिनों का भूखा है, इसे कुछ खाने को दे दो। माँ रोटी लेकर आई और इनके सामने रख दी और साथ कहने लगी, फकीर बाबा ये खाना खा लो और मेरे बेटे के लिए दुआ करना। कैप्टन कदीर खान ने माँ को हकीकत नहीं बताई और पूछा कि आपका बेटा क्या करता है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोते हुए कहा, मेरा बेटा फौजी है मगर वो कोई आम फौजियों की तरह नहीं है, इसका कुछ पता नहीं चलता, कभी सालों बाद एक दो बार बात होती है और हर बार एक ही बात बोलता है। माँ अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो समझ लेना कि तेरे बेटे ने जो खाकी वर्दी पहनते वक्त कसम खाई थी वो पूरी हो चुकी है और तेरा बेटा हमेशा के लिए अमर हो गया है। इसके साथ ही माँ की हिचकियाँ बंद गई और कैप्टन कदीर खान ने माँ के चेहरे को देखते हुए कहा, जिनके बेटे इस वतन की मट्टी पर कुर्बान हो जाते हैं इनसे ज़्यादा खुश नसीब माएँ और कौन हो सकती हैं। क्या बात है यार। दोस्तों कैप्टन कदीर खान वाकई ही एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था, इनके पाकिस्तान के लिए इतने कारनामे हैं जो बयान भी नहीं किए जा सकते। इस अल्लाह के शेर ने बलूचिस्तान में राह की कमर तोड़ कर रख दी। मुझे समझ नहीं आती कि इस फरिश्ता सिफ्त इंसान की क्या क्या खिदमात बताऊं और क्या तारीफ करूं, इसके सामने हर चीज़ छोटी और मानद पड़ जाती है। कौम के नी बेटों की वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नकाबले तस्खीर है, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में हर हद से गुजर जाते हैं। दोस्तों जब पाकिस्तान के महाफिज ऐसे होंगे तो कोई हमारा क्या मुकाबला कर सकेगा। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए हर तूफान से टकरा जाते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। किस तरीके से उनका दिखाया गया ना, लाइक वो कैसे थे, अपने आर्मी के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी थी, एंड लाइक वो जो लास्ट में उनका फैमिली वाला था वो तो ऐसे एक बार लग रहा था कि लाइक कैसे हो सकता है कि लाइक अपना भाई और अपनी माँ ही नहीं पहचान पा रही यार, ऐसा तो मतलब नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी आप कोई भी हालत में हो वो कुछ ना कुछ करके वो पहचान ही लेते हैं, लेकिन अगर वो बता रहे थे वो सही होगा, बिकॉज इस तरीके की वो हालत में थे कि वो भी पहचान नहीं पा रहे थे और वो उनको बस यही कह रही थी कि भाई आप मेरे बच्चे के लिए दुआएँ करें और ये करें, और ये ऐसा था। इनका ये नहीं बताया कि इनको शहीदी कैसे प्राप्त हुई थी और क्या हुआ था इनके साथ, वो चीज़ इसमें नहीं बताई गई इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये था कि इसमें इनकी बहादुरी का पूरा बताया गया कि इन्होंने किस तरीके से पूरा वो ऑपरेशन किया और कैसे पकड़ा वहाँ पे और किस तरीके से अपने आप को हाइड किया, तो लाइक वो देख के बहुत सही लगी यार। सही बात बताऊँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार वो कितना इमोशनल मोमेंट होगा उस बेटे के लिए कि जब इतने टाइम बाद वो अपने माँ और भाई से मिला और उसके बाद भी मतलब बिल्कुल उसने ऐसे नॉर्मल एक्ट किया कि भाई उसको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सच में ही फकीर है। और फिर मेरे को ऐसे लगता है जो ये स्टोरी सुनाई है ना माँ वाली वो फेक है, क्योंकि यार देखो कोई माँ ऐसी नहीं होती, इवन भाई भी नहीं ऐसा होता कि भाई जो कोई भी किसी भी कंडीशन में होता है जैसे तुमने बताया, वो मतलब पता तो लग ही जाता ना कि अरे वो एक्चुअली तुम्हारा ही बच्चा, इवन आवाज़ से भी तो पता लग ही जाना चाहिए था। चल ठीक है शक्ल से नहीं लगा, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आवाज़ से तो पता लग ही जाना था ना। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि वो वाले शायद फेक है, बाकी मुझे नहीं पता। अगर ऐसा सही में हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत प्राउड मोमेंट होगा उस फैमिली के अंदर, उनके उनके पास सब कुछ था, उनकी दौलत थी शौहरत, उसके बाद ही सब कुछ ठुकरा कर बेसिकली उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, उन्होंने कंट्री के लिए इतना कुछ करा है जो कि बहुत ही अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं करते, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अपने देश से, अगर उनको गद्दारी करने पे भी आ जाए ना देश के साथ पैसों के लिए वो कर लेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन फिर एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, इवन अपनी फैमिली को अपनी फैमिली की खुशी ठुकरा देते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने फोटो में दिखाए थे वो तीन बच्चे, तो शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो तीन बच्चे उनके ही हो गए। और बाकी उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उनकी डेथ हुई कैसे, और शायद अगर वो अपनी उनकी फैमिली वगैरह से भी उनकी फ़ोटो वगैरह दिखाते तो शायद और ज़्यादा हमें मज़े आते। चलो लेकिन जो भी है, बाकी मुझे वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। वही और साथ में अपना सब अच्छी खासी चीज़ें छोड़ के आना, एंड वो नॉर्मली हम देखते नहीं कि अमीर लोग ऐसे नॉर्मली अब आर्मी में नहीं ज्वाइन होते, नॉर्मली हम देखें कि थोड़े गरीब तबके के लोग होते हैं वही आर्मी में ज्वाइन होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं वही जाते हैं, तो पता नहीं फिर। लेकिन ये है कि यहाँ पे इसी चीज़ से वजह से ये थोड़े यूनिक है और थोड़े ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए।